नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा आठवीं का जो आपकी पुस्तक है भारत की खोज। ये आपकी पुस्तक है भारत की खोज, इसका आज हम पहला जो लेसन है वो शुरू करने जा रहे हैं, अहमदनगर का जो किला। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन दिनों उस किले में बंदी गृह में के रूप में रहे, बंदी बन के रहे, उन्होंने उसका है ना वर्णन किया है कि किस किस तरह से उन्होंने वहाँ पर यातनाएं झेली और वहाँ रहते हुए वे कभी खाली नहीं रहे। उन्होंने वहाँ पर बागवानी लगाई और फिर अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी लेखनी उठाई और उसकी जो यादें हैं वो लिख डाली। तो आइए पढ़ते हैं अहमदनगर का किला। ये अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944 की बात है। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। अब जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में जेल मिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था, यानी कि भाई पक्ष दो होते हैं, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे 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 घट जाता है और लास्ट में अमावस्या आ जाती है, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और बढ़ता बढ़ता पूरा जिस दिन पूरा हो जाता है उस दिन पूर्णिमा होती है। तो एक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का एक महीना बीत गया है। चांद मेरे बंदी जीवन का साथी सथाई सहचर रहा, वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। ये देखिए अहमदनगर का किला और उसमें जो बंदी बनाए गए लोग हैं। सन 1953 में है ना भाई, जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की थी। जब ये उस समय का वर्णन है जब ये भारत के प्रधानमंत्री हो गए थे, और सॉरी ये है ना बंदी नहीं थे बल्कि उस समय ये अहमदनगर के किले में तब पहुंचे थे जब ये भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। और रूम नंबर 8 ऑक्युपाइड बाय द ऑस्बिल जो है ये सही नहीं दिख रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दुर्ग, ये है ना सही से पढ़ने में नहीं आ रहा भाई, डेडिटेशन इन है क्या है ये, 42 से 45 का ये पत्थर लगा हुआ है यहाँ जहाँ रहते थे। अहमदनगर के किले का वह कक्ष जहाँ पर 42 से 45 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था, ये उस किले के बाहर उन्होंने लगवाया। ये जवाहरलाल नेहरू का रूम नंबर 8 था। अतीत का भार, दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू किया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने की मैं बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। चूँकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी हैं, जो बहुत दुर्लभ संधियाँ जो हुई थी देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसका कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी हमें याद आती है
यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला की के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर के की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठा करके अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई थी। तो अकबर की सेना का मुकाबला किसने किया था? चांद बीबी ने किया था, और उसकी जो हत्या है भाई वो उसके किसी एक आदमी से हुई थी। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर तक नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़ करके हाथ में कलम उठा ली है मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में लिख नहीं सकता, न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार करके मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले ही की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के बाहरी बोध से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा दोनों ही तरह अभिभूत करता है, दुखी करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया है, कि विजयों के उल्लास का, उसकी प्राजों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हर तंगेज साहसिक कार्यों का, किसी जिसकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतीयों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है। हम भारत नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई हुई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो बेटा, ये आपका छोटा सा लेसन था अहमदनगर का जो किला है, इस लेसन को हमने पढ़ लिया। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और आपको जो कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट भी ज़रूर करना, लाइक भी करना। निरंतरता बनाए रखिए मेरे साथ, बिल्कुल एज इट इज क्लास की भांति मैं आपका कंप्लीट सिलेबस है ना वो करवाऊंगा, और आपको डेली रूटीन में एक एक वीडियो देता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।